एक प्रसंग है कि शंकर स्वन केसरी नंदन और दूसरी जगह मिलता है कि शंकर स्वन केसरी नंदन। हनुमान जी को अर्जुन को पहचानना बहुत कठिन है। अर्जुन का अर्थ पांडव, पांच पांडवों में एक अर्जुन भी, सब मिला के पांच पांडव। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का परिचय दिया गया। शंकर सुवन केसरी नंदन, पवन तनय भी हैं या नहीं? तो हनुमान जी के तीन पिता का नाम यहाँ दिया गया है, रामचरितमानस में, हनुमान चालीसा आदि में। केसरी के पुत्र हैं, अंजना नंदन भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बलराम बलवाना। तो केवल हनुमान चालीसा की दृष्टि से अंजना नंदन, केसरी नंदन, पवन सुत और शंकर सुवन, इतना परिचय हनुमान जी का प्राप्त होता है। भगवान शिव वायु से तादात्म्यापन्न हुए और वायु का तेज अंजना में योग बल से प्रतिष्ठित हुआ और अंजना केसरी से विवाहिता थी। इस वाक्य का अनुशीलन करें तो संगति सध जाती है। भगवान शिव के जो आठ रूप हैं उनमें एक पवन भी रूप है। तो भगवान शिव का तेज पवन या वायु में सन्निहित हुआ, वायु का तेज अंजना में प्रतिष्ठित हुआ। अंजना के पति का नाम केसरी था, अतः हनुमान जी को केसरी नंदन, अंजना नंदन, पवन कुमार, शंकर सुवन, शंकर जी के पुत्र और कहीं कहीं शिवरूप भी माना गया है। तो भगवान के अवतार जो होते हैं, जैसे विष्णु भगवान के अवतार हैं, एक अंशावतार पृथ्वी जी, तो विष्णु भगवान का उनको पुत्र भी, अंश भी मान लिया जाता है। श्री राम कृष्ण आदि को साक्षात विष्णु रूप भी माना जाता है। ऐसे हनुमान जी को रुद्रावतार भी माना जाता है और रुद्र माने शिव जी का, सुवन माने पुत्र भी माना जाता है। वहाँ पाठ भेद होने पर भी अर्थ भेद नहीं है, शिव जी के पुत्र के अर्थ में ही उस शब्द का प्रयोग किया गया है।